हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए। अभी तक स्टील स्ट्रक्चर में मैंने आपके लिए सिंपल वोल्टेज कनेक्शन बताया है और मैंने आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शंस के बारे में पढ़ाया था। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैं बात करता हूं रिवेट कनेक्शन के बारे में। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्चुअल में रिवेट कनेक्शन क्या कहलाता है और रिवेट कनेक्शन की स्ट्रेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये सब बात मुझे पढ़नी पड़ेगी। और स्टेटमेंट इस तरीके से सुनने की कोशिश करना कि यानी कि जो रिवेट और बोल्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोल्टेड कनेक्शन की बात करता था तो बोल्टेड कनेक्शन बेयरिंग स्ट्रेंथ में भी फेल हो सकता था और शेयरिंग में भी फेल हो सकता था। सिमिलरली रिवेट का भी काम होता है, रिवेट भी बेयरिंग में फेल हो सकता है एंड रिवेट भी शेयरिंग में फेल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले समझने के पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिवेट कहलाता क्या है, मुझे दिखाई किस तरीके से देगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपके सामने रिवेट की बात करता हूं। कि रिवेट मुझे किस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर मैं आपके सामने एक रिवेट बनाऊंगा, सो रिवेट इज लुकिंग लाइक दिस, मुझे इस तरीके से एक सर रिवेट देखने को मिलेगा। रिवेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे एक रिवेट देखने को मिलता है और रिवेट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना, रिवेट इज लुकिंग लाइक दिस। अब अगर मैं आपके सामने रिवेट की बात करता हूं, एक्चुअल में बोल्ट में क्या होता था, बोल्ट में दो तरीके के एरिया होते थे। एक होता था नॉमिनल एरिया और एक होता था नेट एरिया। नॉमिनल एरिया को मैं शैंक एरिया भी बोलता था और एक होता था नेट एरिया। लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करता हूं रिवेट की, तो रिवेट में बेटा केवल और केवल एक ही एरिया एग्जिस्ट करता है, वो होता है नॉमिनल एरिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें किसी भी तरीके का थ्रेड नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का थ्रेड नहीं होता। आपने कभी कभार देखे हो आपके जीन्स के जो पैंट वगैरह होते हैं उनके जेब में क्या लगा होता है, रिवेट लगा हुआ होता है। या फिर जो जूते चप्पल सुधारने वाला होता है, मोची जिसको बोलते हैं, वो हमारे चप्पल में या जूते में जो ड्रिवन करता है वो रिवेट ड्रिवन करता है। एम आई राइट रॉन्ग? ये वेरियस स्टेटमेंट यानी वेरियस तरीके से आपको रिवेट देखने को मिलेगा। अगर मैं रिवेट की आपके सामने बात करता हूं, जो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, अगर मैं रिवेट की आपके सामने बात करता हूं तो बेटा ये जो ऊपर नीचे आपको दिखाई देते हैं, ये जो ऊपर और ये जो नीचे आपको दिखाई देता है, इसको बोला जाता है हेड। इसको क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है बेटा। ये रिवेट के हेड कहलाते हैं। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज हेड ऑफ रिवेट्स। ये रिवेट्स के हेड हैं। क्लियर? और ये जो आपके सामने मैं देख रहा हूं, ये इसको बोला जाता है नॉमिनल एरिया और शैंक एरिया। इसमें नेट एरिया का कोई काम नहीं होता। या तो ये होगा नॉमिनल एरिया और या फिर ये कौन सा एरिया होगा, शैंक एरिया। तो मैंने बोला ये जो हमारे लिए दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज, इसको मैंने बोला नॉमिनल और शैंक एरिया। नॉमिनल और शैंक एरिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें केवल और केवल एक ही एरिया होगा, नॉमिनल एरिया, या फिर उसको शैंक एरिया भी बोला जाता है। इसमें कभी भी नेट एरिया जैसी चीज नहीं होगी। अच्छा, अब जब भी मैं बेटा रिवेटेड कनेक्शन की बात करता हूं ना, तो रिवेट कनेक्शन एक अजम्पशन पर बेस्ड है। जब भी मैं आपके सामने एक रिवेटेड कनेक्शन की बात करूंगा, सो रिवेटेड कनेक्शन एक अजम्पशन पर बेस्ड है। अब एक्चुअल में उस रिवेटेड कनेक्शन का क्या अजम्पशन है, हमें अजम्पशन को सुनना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या अजम्पशन है, मुझे उस अजम्पशन के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर मैं अजम्पशंस की आपके सामने बात करता हूं, तो एक अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंटली हमें याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है उसको याद करना। क्लियर? और वैसे है तो दो अजम्पशन, और भी अजम्पशन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे मेनली एक ही अजम्पशन याद करना है। मैं दो बताता हूं, लेकिन उसमें से एक कौन सा इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। सबसे पहला तो हम जो यहां पर अजम्पशन लिखते हैं, और यही अजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये बोलता है रिवेट फिल द होल कंप्लीटली। जो रिवेट होगा ना बेटा, रिवेट फिल द होल कंप्लीटली, रिवेट फिल द होल कंप्लीटली, रिवेट फिल दी होल्स कंप्लीटली। रिवेट क्या करता है, होल को कंप्लीटली फिल करेगा। रिवेट फिल दी होल कंप्लीटली, रिवेट होल को कंप्लीटली फिल करेगा। अच्छा, रिवेट होल को कंप्लीटली फिल करेगा का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता था ना, बोल्ट को जब मैं होल में डालता था, ठीक है ना, बोल्ट को जब मैं होल में डालता था, तो जो सेंक एरिया नॉमिनल एरिया होता था, उससे हमेशा मैं डायामीटर ऑफ
होल बढ़ा लेता था, यहां पर भी मैं डायामीटर होल बढ़ा तो लूंगा, लेकिन वहां पर क्या होता था, रिबिट को बोल्ट को इस तरीके से ड्रिवन करके नीचे से नट से कस दिया जाता था, खत्म हो जाता था। एक्चुअल में वहां पर जो अपना बोल्ट था वो बोल्ट कंप्लीटली होल को फिलअप नहीं करता था, इस कारण से उसका एफिशियंसी भी 100% नहीं होता था, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन यदि मैं आपके सामने बात करता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क की, तो वो इंपॉर्टेंट टास्क समझने की कोशिश करिएगा, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूं सर, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक होल में मैंने रिबिट को डाला और रिबिट को डालने के बाद उस रिबिट को मैं पंच करूंगा। जैसे ही मैंने उस रिबिट को बेटा पंच किया, ऐसे करके पंच करूंगा, तो नीचे वाला एक्चुअल में रिबिट इनिशियल लेवल पर ये हेड ऊपर नीचे नहीं होते, ये पंच करने के बाद हेड फॉर्म हो जाता है नीचे की तरफ, हेड केवल ऊपर की तरफ ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, रिबिट इनिशियल लेवल पर इस तरीके से मुझे दिखाई देगा, रिबिट इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, हम जैसे ही इसको पंच करेंगे, पंच करते जाएंगे और ये जमीन आ जाएगा, जमीन पर और पंच करेंगे तो ये इस तरीके से यहां पर एक हेड फॉर्म हो जाता है। ऐसा पंच किया, यहां पर बेस था और पंच किया, तो ये पंच करूंगा तो ये हेड फॉर्म होएगा ना। जूता चप्पल जो सुधारता है, जूते चप्पल, वो क्या करता है, रिबिट को ड्रिवन करता है, ठीक है ना, हथौड़े की हेल्प से, आपके हैमर की हेल्प से उसको ड्रिवन करेगा तो एक्चुअल में क्या होता है ना, नीचे हेड फॉर्म हो जाता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और वो जैसे ही ड्रिवन किया, अब मान लो यहां पर बेस आ गया और वो ड्रिवन करता जा रहा है, तो रिबिट क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, तो ये कंप्लीटली होल को क्या कर देगा, आगे जाके फिलअप कर देगा, ठीक है ना। सो एक्चुअल में इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है कि रिबिट फिल द होल कंप्लीटली, और अगर रिबिट फिल होल को कंप्लीटली फिल करेगा, इसीलिए ये अज्यूम भी कर लिया जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ रिबिटेड कनेक्शन इज 100% एफिशिएंसी होती है रिबिटेड कनेक्शन की, और वो 100% एफिशिएंसी रिबिटेड कनेक्शन की इसलिए होती है क्योंकि रिबिट होल को कंप्लीटली क्या कर लेता है, फिल कर लेता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं सेकेंड अजम्पशन है रिबिटेड एफिशिएंसी ऑफ रिबिटेड कनेक्शन, ऐसा लिखिएगा यहां पर, ऐसा लिखिए एफिशिएंसी ऑफ रिबिटेड कनेक्शन इज 100%, ठीक है ना, एफिशिएंसी ऑफ रिबिटेड कनेक्शन इज 100%। जो हमारे पास जो रिबिटेड कनेक्शन होता है, उस रिबिटेड कनेक्शन का एफिशिएंसी कितने परसेंट होगा, 100% एफिशिएंसी होगा रिबिटेड कनेक्शन का, क्लियर। इतना स्टेटमेंट मुझे आपके सामने समझ में आ गया। अब एक्चुअल में जिस तरीके से हमारा बोल्ट होता था, और बोल्ट की मैं दो तरीके की स्ट्रेंथ निकालता हूं, एक निकालता था शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और एक निकालता था बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सिमिलरली बेटा रिबिट में भी काम करना पड़ेगा, और रिबिट में भी मैं दो तरीके की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा, एक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और एक कैलकुलेट करूंगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, क्लियर। तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपसे कोई बोले रिबिट वैल्यू का मतलब बताओ, रिबिट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, आपसे कभी कभार पूछता है व्हाट डू यू मीन अबाउट रिबिट वैल्यू, रिबिट वैल्यू का मतलब क्या होगा, तो बहुत ध्यान से सुनना रिबिट वैल्यू का मतलब क्या होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन अबाउट रिबिट वैल्यू का मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट को सुनिए और स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। रिबिट वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट में से विच एवर इज मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसी को मैं रिबिट वैल्यू बोलूंगा, ठीक है ना। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट में से विच एवर इज मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं रिबिट वैल्यू बोलूंगा, ठीक है ना। सो मैं यहां पर लिखता हूं रिबिट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ, मैं आपके सामने लिखता हूं रिबिट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट में से जो भी मिनिमम होगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला
मैंने आपके सामने बोला रिबिट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ, रिबिट वैल्यू मिनिमम होगी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट से. क्लियर? यानी रिबिट में से वेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट में से विच एवर इज मिनिमम उसी को मैं क्या बोल दूंगा, रिबिट वैल्यू बोल दूंगा. क्लियर? अब बात यह आती है कि हाउ टू कैलकुलेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट और हाउ टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. तो स्टेटमेंट को सुनना और सर बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना. मैंने आपके सामने दो तरीके के ज्वाइंट बताए थे, दो तरीके के कनेक्शंस बताए थे. एक कनेक्शन बताया था लैप जॉइंट और एक कनेक्शन बताया था बट जॉइंट इन केस ऑफ रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन. लेकिन वेल्डिंग कनेक्शन में दो तरीके के कनेक्शन थे, एक था बट जॉइंट और अनदर जो था उसको मैंने बोला था बेटा फ्लिट जॉइंट. एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन की बात करूंगा तो दो तरीके के कनेक्शन एग्जिस्ट करते हैं. पहला कनेक्शन जो होगा उस फर्स्ट कनेक्शन को बोला जाता है लैप जॉइंट और अनदर जो कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को बोला जाता है बट जॉइंट. चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को. मैंने आपके सामने बोला रिबिट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. शेयरिंग और बियरिंग में से जो भी स्ट्रेंथ मिनिमम होगा उसको मैं रिबिट वैल्यू बोलूंगा. बस स्टेटमेंट याद रखिएगा, रिबिट फिल द होल कंप्लीटली. रिबिट हमेशा होल को कंप्लीटली फिल करेगा. बेटा अगर रिबिट कंप्लीटली होल को फिल करता है तो स्टेटमेंट को अभी अपन याद रखेंगे, देन इसके बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं. सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, देन हाउ विल कैलकुलेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. पहले मैं आपके सामने बताऊंगा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और देन मैं आपके सामने बताऊंगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा. सो आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क. मैं आपके सामने बात करता हूं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. राइट डाउन द हेडिंग शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की बात करता हूं. शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट बहुत ध्यान से सुनिए, कैसे निकालूंगा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट. सभी को पता है दो तरीके के जॉइंट होते हैं, एक होता है लैप जॉइंट अनदर होता है बट जॉइंट. स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना. मैंने आपके सामने एक लैप जॉइंट को बनाया, ठीक है. मैं सबसे पहले आपके सामने एक लैप जॉइंट को बनाया. एक प्लेट मैंने ऐसा लिया, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, और दूसरा प्लेट आई विल कंसिडरिंग लाइक दिस. उसको अलग कलर से बना लेता हूं ताकि आपको फीलिंग आ जाए. देखिए थोड़ा सा मैंने इस तरीके से एक दूसरा प्लेट लिया, सेकंड प्लेट इज लाइक दिस. दो प्लेट मैंने इस तरीके से एक दूसरे, ये दो प्लेट ले ली. क्लियर? एक प्लेट ऐसा और यानी एक प्लेट ऐसा, इसके ऊपर दूसरा प्लेट ऐसा. टॉप व्यू से देखने पर ऐसे ही तरीके से दिखेगा. तो टॉप व्यू, ये तो हमने सेक्शनल व्यू बना लिया. अब इसका टॉप व्यू अभी हम बना के आपके लिए बता देते हैं थोड़ी देर में. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना. अगर मान लीजिए ये मैंने कौन सा जॉइंट बनाया है सर, ये मैं सबसे पहले लैप जॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना. ये मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आपके सामने लैप जॉइंट के बारे में. अगर मैं आपके सामने लैप जॉइंट के बारे में बात करूंगा तो बेटा लैप जॉइंट में दो तरीके के केस हो सकते थे. ये अपना केस वन है. केस वन ये हमने लिखा, हमने आपसे पहले भी बोला था, तो यानी जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था क्या कहते हैं बोल्टेड कनेक्शन, तब भी मैंने बताया था और अभी फिर बताता हूं. यहां पर दो तरीके के केस हो सकते हैं. यहां पर मैं बात करता हूं केस नंबर वन के बारे में. फर्स्ट केस मुझसे क्या बोलता है सर, फर्स्ट केस मुझसे क्या बोलता है, फर्स्ट केस मुझसे बोलता है और क्या बोला बहुत ध्यान से सुनिए. मैंने क्या किया, यहां पर एक रिविट को लगा दिया, रिविट लाइक दिस. अच्छा, सेक्शनल व्यू से ये आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक ही रिविट यहां पर इंस्टॉल किया गया है. सेक्शनल व्यू से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि केवल और केवल एक ही रिबिट मैंने यहां पर इंस्टॉल किया है. रिबिट इज इंस्टॉल्ड लाइक दिस, इस तरीके से एक रिबिट है. एक्चुअल में ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है ना. सेक्शनल व्यू से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक ही रिबिट मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है ना. लेकिन एक्चुअल में हो सकता है भाई, जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एक ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, टॉप व्यू से प्लेट का विड्थ दिखाई देगा. एम आई राइट रॉन्ग? अब मान लो एक रिबिट ऐसा है, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, तो एक्चुअल में टॉप व्यू से तीन दिखाई देंगी लेकिन सेक्शनल व्यू से तो एक ही दिखाई दे सकता है. एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि आप फ्रंट व्यू देख रहे हो. देखिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं, एक्चुअल में मैं आपके सामने बोलूंगा सर, अगर मान लू मैंने इस तरीके से एक रिबिट को इंस्टॉल किया एंड आई विल अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी. मैं इस बॉडी पर फोर्स को अप्लाई करता हूं. I will applying a force on this body. So देखिएगा बहुत ध्यान से बॉडी पर किस तरीके से मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा. I will applying a force on this body. मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं.
जैसे ही मैं इस बॉडी पर सर फोर्स अप्लाई करूंगा, आई विल अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, इस पर्टिकुलर बॉडी पर जैसे ही मैंने फोर्स को अप्लाई किया, आई विल अप्लाइंग अ फोर्स पी हियर, मैंने इस तरीके से पी फोर्स अप्लाई किया, एंड आई विल ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स पी हियर, मैंने यहां पर भी एक पी फोर्स को अप्लाई कर दिया। भाई स्टेटमेंट को सुनना हो, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करिएगा। एक्चुअल में जब ये फोर्स ट्रांसमिट होगा, सो फोर्स इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस, आपको इस तरीके से फोर्स ट्रांसमिट होता हुआ दिखेगा, फोर्स इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस, आपको इस तरीके से ये फोर्स ट्रांसमिट होता हुआ दिखेगा। अब भाई इस तरीके से आपको फोर्स ट्रांसमिट होता हुआ दिखेगा, आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, जब ये इस तरीके से खींचेगा प्लेट तो ये रिवेट यहां से टूट जाएगा, एम आई राइट रॉन्ग, ज्यादा खींचोगे ज्यादा दम लगाओगे तो ये वाला रिवेट यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद ये मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, तो ब्रेकिंग के बाद हमारा रिवेट मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, रिवेट का आधा पोर्शन लाइक दिस, इस तरीके से आधा पोर्शन मुझे ऊपर की तरफ वाला इस तरीके से दिखाई देगा, एंड आधा पोर्शन मुझे ऊपर वाला इस तरीके से दिखाई देगा, एंड आधा पोर्शन नीचे वाला इज लुकिंग लाइक दिस, ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एम आई राइट रॉन्ग, तो आधा आधा पोर्शन में ये इस तरीके से टूट गया। तो आपने देखा ये रिवेट, जैसे ही मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, आपको समझ में भी आ रहा होगा इस तरीके से रिवेट लगा है, जैसे ही फोर्स अप्लाई करूंगा ये बीच से टूट जाएगा, कट जाएगा, एम आई राइट रॉन्ग, ये एक ही जगह से कट रहा है बेटा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कितने, ये इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं शेयरिंग प्लेन बोलता था, मैंने आपको बताया है शेयरिंग प्लेन, यहां पर कितने शेयरिंग प्लेन फॉर्म हो रहे हैं, तो बच्चा अपने आप समझ गया कि यहां पर एक ही शेयरिंग प्लेन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रिवेट एक ही तरफ से टूट रहा है, एक ही जगह से टूट रहा है, तो यहां पर कौन सा कितना शेयरिंग प्लेन फॉर्म हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयर इज अ सिंगल शेयरिंग प्लेन, यहां पर सिंगल शेयरिंग प्लेन होगा, ठीक है ना, इट इज सिंगल शेयरिंग प्लेन, ठीक है, यहां पर सिंगल शेयरिंग प्लेन फॉर्म होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई और अच्छे से क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट को सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना, मैं सर इसका टॉप व्यू बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो टॉप व्यू मुझे किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, उसके पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, ये वाला जो प्लेट दिख रहा है, सपोज दैट इस प्लेट का थिकनेस मैंने T1 थिकनेस बोला, और ये जो हमें प्लेट दिख रहा है, सपोज दैट इस वाली प्लेट का थिकनेस मैंने कितना बोला, दिस इज T2 थिकनेस, ठीक है, सो देयर इज अ T1 थिकनेस एंड देयर इज अ T2 थिकनेस, और जैसे ही मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा, भाई देखो अगर मैंने आपके सामने टॉप व्यू देखा तो टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू से ऊपर वाला प्लेट तो मुझे सीधा सीधा दिखाई देगा, ठीक है ना, और इसके नीचे एक और प्लेट लगा हुआ है, ये वाला प्लेट, लेकिन ये वाला प्लेट का ये इतना वाला पोर्शन जो ओवरलैप है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये प्लेट नीचे है, एम आई राइट, सो स्टेटमेंट को सुनना हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके सामने इसका टॉप व्यू देखता हूं, सो टॉप व्यू मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देखिए ऊपर वाला प्लेट बनाने की कोशिश करते हैं, पहले अपन ऊपर वाला प्लेट बनाने की कोशिश करते हैं, सो ऊपर वाला प्लेट मैंने बनाया, ऊपर वाला प्लेट मुझे कुछ इस तरीके से सपोज दैट दिखाई दे गया, क्लियर। अब मैं नीचे वाला प्लेट बनाता हूं सर, देखिए नीचे वाला प्लेट किस तरीके से दिखाई देगा, अगर मैं आपके सामने नीचे वाला प्लेट बनाया, सो नीचे वाला प्लेट का ये वाला पोर्शन, अगर मैं नीचे वाले प्लेट की बात करता हूं, तो नीचे वाले प्लेट का ये वाला पोर्शन मुझे डॉट डॉट दिखाई देगा, डॉट डॉट इसलिए क्योंकि भाई ये मुझे ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, यहां तक पूरा डॉट डॉट ही चलेगा, दिस इज अ डॉट 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 वाला पोर्शन, ठीक है ना, सिमिलरली यहां पर भी कैसा चलेगा, यहां पर भी डॉट डॉट वाला पोर्शन चलेगा, और इसके आगे फिर मुझे सही पोर्शन दिखाई देने लगेगा, सही का मतलब जैसा प्लेट मुझे दिखाई दे रहा था, फिर मुझे वैसा प्लेट आराम से दिखाई देगा, देखिएगा प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे ये प्लेट यहां पर दिखाई देने लगा, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से प्लेट मुझे यहां पर दिखाई देने लगा, देखिए बहुत ध्यान से प्लेट इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना, ये प्लेट मुझे इस तरीके से इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। अब भाई इस तरीके से मुझे टॉप व्यू दिखाई दिया, मैंने बोला एक एक रिवेट आपको दिख रहा है, एक इसके आगे होगा, एक और इसके आगे होगा, जो मुझे केवल और केवल टॉप व्यू से दिख सकते हैं, टॉप व्यू से तीन दिखे, फ्रंट व्यू से कितना दिखेगा, एक, देखो टॉप व्यू से ऐसे तीन है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू से आपको एक दिख रहा है, टॉप व्यू से कितने हैं, ये तीन है, ठीक है ना, सो मैंने आपके सामने यहां पर रिवेट बनाए, मैंने आपके सामने रिवेट बनाया, एक रिवेट मैंने आपसे बोला यहां पर लगा, दूसरा रिवेट लाइक दिस, तीसरा रिवेट लाइक दिस, क्लियर, इस तरीके से हमने यहां पर रिवेट को इंस्टॉल कर दिया, क्लियर, यहां पर इस तरीके से मैंने रिवेट को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अच्छा डायग्राम थोड़ा उतना सिस्टमेटिक नहीं बन पाया है,
डायग्राम इतना ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है, एक्चुअल में क्या होना था ना, ये रिबिट को एकदम बीच में होना था, लेकिन समझने के हिसाब से काफी है, ठीक है। ठीक है, अब स्टेटमेंट को सुनिएगा बड़े ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा ये तो हो गया सिंगल शेयरिंग प्लेन, इसको मैंने सिंगल शेयरिंग प्लेन बोला। अब स्टेटमेंट को सुनना हो, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। टॉप व्यू से मुझे इसका विड्थ दिखाई दिया, सभी को पता है यहां पर एक फोर्स लग रहा था, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कैपिटल पी। इसी तरीके से यहां पर भी एक टेंसाइल फोर्स मैंने अप्लाई किया था, एंड दिस टेंसाइल फोर्स इज कैपिटल पी। और मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखा कि हमें ये टॉप व्यू से इसका क्या दिखाई दे रहा है, विड्थ दिखाई दे रहा है, ये हमें विड्थ दिखाई दिया। और बेटा ये हमें डायामीटर ऑफ होल्स दिखाई दिए, तो डायामीटर ऑफ होल यानी डी नॉट, डायामीटर ऑफ होल यानी कि डी नॉट, एंड डायामीटर ऑफ होल का मतलब क्या है, डायामीटर ऑफ होल का मतलब है दिस इज डी नॉट, एम आई राइट रॉन्ग, ये डायामीटर ऑफ होल है। लेकिन आपको याद रखना है मैंने अजम्पशन लिखवाया है रिबिट फिल द होल कंप्लीटली, रिबिट होल को कंप्लीटली फिल करेगा, यानी यहां डायामीटर ऑफ रिबिट का कोई काम नहीं है, डायामीटर होल को ही एनालिसिस में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि रिबिट कंप्लीटली होल को क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है। लेकिन वोल्टेड कनेक्शन में क्या होता था, वोल्टेड कनेक्शन में जो हमारा वोल्ट था वो कंप्लीटली थोड़ी ना फिलअप करता था होल के लिए, इसीलिए मैं वोल्ट डायामीटर को अज्यूम करता था, एम आई राइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिबिट जो रिबिट है वो रिबिट होल को कंप्लीटली फिल करेगा। अगर रिबिट सर होल को कंप्लीटली फिल कर रहा होगा, रिबिट होल को कंप्लीटली फिल कर रहा होगा, तो इस केस में आपको होल डायामीटर ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस केस में अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालू, अगर मैं इस केस में शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालू, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किस तरीके से निकलेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किस तरीके से निकलेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, हाउ टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सर तो एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, सॉरी बोल्ट नहीं, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालना चाहता हूं, सो इस कंडीशन में शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट कैसे निकलेगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालने का फॉर्मूला, यानी किसी भी चीज को, यानी स्ट्रेंथ अगर मुझे निकालना है तो सीधा सीधा बात है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेस। तो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेस। क्लियर, सो देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिबिट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो पाई बाय फोर होना तो चाहिए डी स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में यूज क्या करूंगा, डी नॉट स्क्वायर। रियलिटी में होना चाहिए पाई बाय फोर डी स्क्वायर, लेकिन यूज क्या करूंगा, डी नॉट का स्क्वायर। डी नॉट यानी कि डायामीटर ऑफ रिबिट होल। मैं रिबिट होल को यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर आपने अजम्पशन लिया है, क्या अजम्पशन लिया है, रिबिट फिल द होल कंप्लीटली, आपका जो रिबिट है उस रिबिट ने होल को बेटा कंप्लीटली फिल कर दिया, एम आई राइट रॉन्ग, कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेस, तो एक्चुअल में ये शेयर फेलियर है, तो मुझे शेयरिंग स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, मुझे शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं सिग्मा एसपी। सिग्मा एसपी का मतलब है परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट। इसकी वैल्यू हमें आईएस 800 ने डायरेक्टली गिवन दिया है कोड में, मैं अभी दो मिनट बाद आपको उसकी टेबल लिखवाता हूं। क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट का। क्लियर, लेकिन हम क्या करते थे, हमें मालूम है यहां पर कितना शेयरिंग प्लेन है, ओनली वन शेयरिंग प्लेन है, तो यहां वन का मल्टीप्लाई करना पड़ता था, वन का मतलब है केवल वन शेयरिंग प्लेन होगा, अगर दो जगह से टूटता दो का मल्टीप्लाई होता, एम आई राइट रॉन्ग, टू शेयरिंग प्लेन हो जाते। क्लियर, ओके, सबको क्लियर है। सो दिस इज अवर वैल्यू शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्लियर, केस वन के लिए मैंने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालना सीख लिया। अच्छा, अब देखना सर, मैंने केस वन के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालना सीख लिया। अच्छा, मान लो मुझे यही केस दिया होता और मुझसे वो पूछ लेता व्हाट इज बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, रिबिट का बियरिंग स्ट्रेंथ बताओ, तो कैसे निकालता। देखो बिल्कुल बोल्ट जैसा काम है, कुछ नया नहीं सीख रहे हम बेटा, कुछ नया नहीं सीख रहे, देखना जो बोल्ट में पढ़ा है वही सीखने वाले हैं, वही पढ़ेंगे, कोई भी नई चीज को नहीं पढ़ेंगे, अभी पूरे कनेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना है बिल्कुल सेम यही का पढ़ना है, इसलिए टेंशन परेशानी लेने की बात है तो जिंदगी में छोड़ दो। क्लियर, अब देखो मैंने आपके सामने बोला, यहां पर मैं बात करता हूं, ये तो हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बताया, रिबिट बताया, अब मैं आपके सामने बात करता हूं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट,
अगर मैं आपके सामने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की बात करूंगा, सर स्टेटमेंट को सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, भाई मुझे बियरिंग निकालना है तो बियरिंग क्या होता था, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट निकालूंगा तो बहुत ध्यान से सुनिए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, अब भाई चाहे शियरिंग स्ट्रेंथ हो चाहे बियरिंग स्ट्रेंथ हो, जिंदगी में जहां भी स्ट्रेंथ आ जाए उसका मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस, एम आई राइट रॉन्ग? सो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस, एम आई राइट रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस। सर एक बात बताइए, एक्चुअल में क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। देखो कैसे निकलेगा, सर एक्चुअल में ये वाला इतना पोर्शन है वो T1 डेप्थ में इनबिल्डेड है, एम आई राइट और रॉन्ग? ये T1 डेप्थ का एरिया है, और ये आपको जो अनदर दिख रहा है यहां पर जो दिख रहा है ये T2 डेप्थ का एरिया है, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं बियरिंग, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T1 और डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T2, एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे हो सकता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T1 और हो जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T2, एम आई राइट और रॉन्ग? यानी कि इन दोनों में से विच एवर क्या लेता था, विच एवर इज मिनिमम लेता था। सर मैं तो भूल गया सर, ये मिनिमम कैसे आता था, कैसे आता था विच एवर इज मिनिमम, सर को कैसे पता पड़ा बेटा, क्या हो रहा है, जस्ट अ वेट, सर को कैसे पता पड़ा कि यहां पर विच एवर इज मिनिमम आएगा? अरे बेटा सर को ऐसे पता पड़ गया विच एवर इज मिनिमम आएगा, अगर मैं ज्यादा एरिया कंसिडर कर लेता तो आप ज्यादा लोड ट्रांसमिट कर देते, ज्यादा लोड ट्रांसमिट कर देते तो कम एरिया वाला मेंबर तो वैसे ही टूट जाता ना सर, एम आई राइट रॉन्ग? ज्यादा एरिया कंसीडर करता तो हम स्ट्रेंथ ज्यादा मान लेते, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा मान लेते ज्यादा लोड ट्रांसमिट करते, ज्यादा लोड ट्रांसमिट करते तो कम एरिया वाला मेंबर तो पहले ही ब्रेक हो जाता ना, एम आई राइट और रॉन्ग? सो क्रॉस सेक्शन एरिया विच एवर इज मिनिमम, अरे यार तुम में ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है क्या, तुम ऐसे लिख सकते हो ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम, इन दोनों में से जो भी टी मिनिमम होगा, ये हमें क्या मिल गया सर, दिस इज अवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू मिला, इट इज अवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, भाई यहां पर परमिसिबल स्ट्रेस शियर वाली यूज किया था, यहां परमिसिबल स्ट्रेस बियरिंग वाली यूज कर लूंगा, बस रख दो वैल्यू, फटाक से आंसर देखो, एकदम एकदम प्योर आंसर देखिएगा, मजा आएगा सर, कोई भी क्वेश्चन स्टील में नहीं छूटना चाहिए, जैसा मन से हाईवे पड़ा है, जितने मन से सर्वे पड़ा है उतने ही मन से आप मेरा स्टील पढ़िएगा, आई एम टोटली यानी कि ऐसा बोल सकता हूं कि मैं आपसे कंप्लीटली प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है ना, 20 नंबर हाईवे के, 20 नंबर स्टील के, 20 नंबर सर्वे के, 60 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, लेकिन पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर जो बोल रहा हूं आराम से सुनते जाओ, और अभी क्वेश्चन सीरीज आएगा तो क्वेश्चन को प्रॉपर लगाते जाओ, एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन सीरीज आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं मैं खुद। चलिए सो अगर मान लीजिए मैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, तो रिबिट का बियरिंग स्ट्रेंथ क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाय व्हाट डू यू मीन अबाउट परमिसिबल स्ट्रेसेस, तो बियरिंग, तो सिग्मा बीपी, बीपी का मतलब है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ, बीपी का मतलब है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट, ठीक है ना बेटा। हाँ अब बात ये आती है, एक्चुअल में क्या था ना, जितना भी हमने अभी तक रिबिटेड, जितना भी अभी तक इसके पहले हमने बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शन को पढ़ा था, जितना भी हमने इसके पहले बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शन को पढ़ा था, वो सभी कनेक्शन बेटा हमने पढ़े थे LSM मेथड से, और ये जो रिवेटेड कनेक्शन है, इस रिवेटेड कनेक्शन को हम पढ़ रहे हैं किस मेथड से, इस रिवेटेड कनेक्शन को हम पढ़ रहे हैं WSM मेथड से। हम आपके सामने LSM और WSM का मतलब बता चुके हैं, WSM का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, RCC में भी आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लियर। तो अभी मैं WSM मेथड से रिवेटेड कनेक्शन की डिजाइन करता हूं, और फिर मैं आपको छोटा सा पार्ट बता दूंगा, WSM मेथड की हेल्प से वेल्डेड को भी डिजाइन कर सकता हूं, ठीक है। अब कैसे करूंगा, बात की बातें हैं, देखते हैं, आराम आराम से चलते जाते हैं,
आराम आराम से ही काम करना है। देखो मेरे पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने का फॉर्मूला आ गया, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बीपी, और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने का फॉर्मूला आ गया, दैट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इनटू डी नॉट का स्क्वायर। कभी भी बच्चे आपसे पूछेंगे डी नॉट यूज क्यों कर रहे हो यार, डी यूज करना था, डायमीटर ऑफ रिवेट डी है, डी नॉट तो होल का डायमीटर है, तो बच्चे हमेशा बोल देंगे हमने अजम्पशन लिया है कि रिवेट फिल द होल कंप्लीटली, रिवेट होल को कंप्लीटली फिल करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए यही केस, ये एक केस है, हमने इसके यहां पर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट देख लिया, मैंने यहां पर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट देख लिया, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, मैं इंटरेस्टेड हूं ये कैलकुलेट करने में कि व्हाट इज द रिवेट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर केस। इस केस वन के लिए रिवेट वैल्यू क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, मैं आपके सामने इंटरेस्टेड हूं कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू का मतलब क्या है। तो हम बहुत अच्छे से एक बात समझते हैं सर, क्या बात समझते हैं, अगर मैं रिवेट वैल्यू की बात करता हूं, सो रिवेट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ, जो रिवेट वैल्यू होगा वो रिवेट वैल्यू मिनिमम होगा काय का, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में से, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में से विच एवर इज मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा सर, उसको मैं रिवेट वैल्यू बोलूंगा। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एसपी, ठीक है ना, सिग्मा एसपी का मतलब परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसी तरीके से अगर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हो जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बीपी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बीपी मतलब परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। बेटा याद रखिएगा हमेशा, यहां पर जहां जहां डी नॉट आएगा वहां पर डी नॉट यूज करूंगा। जैसे मैं बोलूं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू रिवेट, तो एक्चुअल में क्या होता था 1.5D हमने पढ़ा था वहां पर, यहां पर आ जाएगा 1.5D नॉट, ठीक है ना। 1.5D नॉट क्यों आ जाएगा सर, क्योंकि रिवेट फिल द होल कंप्लीटली, जहां जहां पर डी होगा वहां वहां पर डी नॉट आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात एक्सीलेंट स्टूडेंट याद रखेंगे। क्लियर, ये हमने केस नंबर वन आपके सामने देखा। नाउ आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू केस नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। देखिएगा हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, केस नंबर सेकंड, सेकंड केस भी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से उमदा तरीके से आता है। देखिए बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू केस नंबर सेकंड, मैं आपके सामने सेकंड केस की बात करता हूं और सेकंड केस मुझसे क्या बोलेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करता हूं, मैंने आपके सामने बोला यहां से हमने क्या किया सर, यहां पर मैंने एक प्लेट लिया, ये एक प्रकार से कौन सा जॉइंट है, पहला वाला अगर मैं लैप जॉइंट बोल रहा था तो यहां पर ये कौन सा जॉइंट है, मैं बात करता हूं बेटा बट जॉइंट की। किस जॉइंट की बात करता हूं, मैं आपके सामने बात करता हूं बट जॉइंट का, मैं यहां पर बट जॉइंट की बात करता हूं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बात करता हूं बट जॉइंट के बारे में। देखिएगा आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बात करूंगा बट जॉइंट के बारे में, बट जॉइंट, ठीक है ना, मैं आपके सामने बात करता हूं बट जॉइंट के बारे में। बट जॉइंट, देखिए स्टेटमेंट क्या होगा, एक प्लेट मैंने ऐसा लिया और अब मैंने क्या किया, एक और प्लेट को सेम लेवल में रख दिया, सेम लेवल का मतलब बिल्कुल डिक्टो यहां पर रख दिया, इस प्लेट को भी मैंने सेम लेवल पर बिल्कुल इतनी ही थिकनेस की एक और प्लेट एक सेम लेवल पर रख दी। क्लियर, प्लेट लाइक दिस, अब इन दोनों प्लेट के ऊपर कवर प्लेट रखूंगा, ठीक है, हम बहुत अच्छे से इस डायग्राम को आपको पहले समझा चुके हैं सर, एम आई राइट रॉन्ग। मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से दो, एक लेवल पर दो प्लेट को रखा, इसके ऊपर अब क्या रखूंगा, कवर प्लेट रखूंगा, कवर प्लेट रखो, देखिए कवर प्लेट का फीलिंग अलग ही होता है, आई पुट अ कवर प्लेट हियर, यहां पर मैं कवर प्लेट को रखता हूं, कवर प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, एक कवर प्लेट ये हो गया और दूसरा कवर प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, दूसरे कवर प्लेट को मैंने इस तरीके से रख दिया, दूसरा कवर प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने दूसरे कवर प्लेट को रखा, ठीक है ना, ये दो कवर प्लेट मैंने यहां पर पुट कर दिए। अब मैंने क्या किया सर, फीलिंग्स को देखिए, रियल फीलिंग देखिए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने यहां पर रिवेट को फिल, रिवेट को पुट किया, रिवेट को यहां पर ड्रिवन किया। अब रिवेट भी दो तरीके से ड्रिवन होते हैं,
अगर जूते चप्पल वाला रिबिट ड्रिवन करेगा तो बाय द हेल्प ऑफ हैमर करेगा। किसी प्रोडक्शन यूनिट में रिबिट को हैमर के थ्रू ड्रिवन नहीं किया जाता, वहां पर मशीन लगी होती है बेटा ड्रिवन करने के लिए, उसको पावर ड्रिवन बोला जाता है। कौन सा ड्रिवन? पावर ड्रिवन। दो तरीके से ड्रिवन हो सकते हैं, एक हो सकता है हैंड ड्रिवन और एक हो सकता है पावर ड्रिवन। ठीक है, तो यहां पर अभी हम देखते हैं पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन के केस में वैल्यू किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, अभी अपन देखेंगे। अभी मैंने क्या किया, यहां पर रिबिट को मैं यहां पर रिबिट को इस तरीके से पुट कर देता हूं, यहां पर रिबिट डालता हूं। मैंने रिबिट को यहां पर डाला, रिबिट इज लाइक दिस, इस तरीके से मैंने यहां पर रिबिट को रख दिया। ठीक है, रिबिट को मैंने ड्रिवन किया। अब भाई रिबिट को अगर मैंने यहां पर ड्रिवन किया, रिबिट को यदि यहां पर मैंने ड्रिवन किया, रिबिट इज ड्रिवन लाइक दिस, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहां पर रिबिट को ड्रिवन कर दिया। रिबिट अच्छे से बना देता हूं ताकि आप लोगों की फीलिंग्स ज्यों की त्यों रहे बरकरार, फीलिंग्स को खराब नहीं करना, बड़ी मुश्किल से तो फीलिंग्स आती हैं इस उम्र में। चलिए देखिए, सो मैंने रहा और मैंने इस तरीके से क्या किया, इसको ड्रिवन किया। अब भाई इस तरीके से मैंने इसमें ड्रिवन कर दिया, इस तरीके से मैंने इसमें ड्रिवन किया, ड्रिवन लाइक दिस, इस तरीके से मैंने इसमें ड्रिवन कर दिया लाइक दिस। इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस तरीके से मैंने इसको यहां पर ड्रिवन कर दिया। अब स्टेटमेंट को सुनना सर, वो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पर सर लोड को अप्लाई करता हूं। लोड को अप्लाई क्यों करो, देखते हैं किस तरीके से लोड अप्लाई होगा। देखिए, लोडिंग इज अप्लाइंग लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा, कुछ लोड ऊपर चला जाएगा, कुछ लोड नीचे चला जाएगा, यही बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलरली लोड ऐसा ट्रांसमिट हुआ, लोड ऐसा ट्रांसमिट हुआ, कुछ लोड ऊपर गया, कुछ लोड नीचे गया, एंड लोड इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस, इस तरीके से ये लोड ट्रांसमिट हो गया। क्लियर, देखो, सो लोड इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस, मैं यहां पर लोड को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इस तरीके से इस पर एक पी फोर्स को अप्लाई किया, आई विल अप्लाइंग अ पी फोर्स हियर, मैंने यहां पर पी फोर्स को अप्लाई कर दिया, टेंसाइल फोर्स पी को अप्लाई किया, पी इज अ टेंसाइल फोर्स, और यहां पर भी मैंने क्या किया, एक पी टेंसाइल फोर्स को यहां पर अप्लाई किया। क्लियर, स्टेटमेंट को समझिए, लोड कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा होगा, लोड इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस, और कुछ लोड ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है लोड का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा बट ज्वाइंट में, एम आई राइट और रॉन्ग, ये अपन पूरी चीजें देख चुके हैं बेटा। अपन ने एक बहुत अच्छा यहां पर डेरिवेशन भी किया हुआ था एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ईच एंड एवरी टास्क हमने आपको बहुत डिटेल में भी बताया हुआ है, किस तरीके से हम रिबिट को, किस तरीके से प्लेट को प्रोवाइड करते हैं, कवर प्लेट पर जॉइंट कैसे, कवर प्लेट पर बोल्ट किस शेप में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, डायमंड शेप में क्यों प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को अपन ने फर्स्ट यूनिट में देखा है। ठीक है, स्टेटमेंट को सुनिए। अब एक्चुअल में जब मैं इसको इस तरीके से पुल करूंगा, इफ आई पुलिंग दिस पर्टिकुलर प्लेट, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेट को यहां से पुल करूंगा पी फोर्स के थ्रू, अगर बेटा जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर प्लेट को पी फोर्स से पुल करता हूं, पुल करने पर कंडीशन क्या होगी ये देखिएगा, पुल करने पर कंडीशन क्या होगी ये देखिए। मैंने इसको पुल किया, यार तो तुम्हें ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि सर ये रिबिट एक तो इस जगह से टूटेगा, ये एक जगह से टूटेगा, एम आई राइट और रॉन्ग, मैं आधे डायग्राम का एनालिसिस कर रहा हूं सर, मैं आधे डायग्राम का एनालिसिस कर रहा हूं, ये इस तरीके से मैं आधे डायग्राम का एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने आपसे बोला अगर मैं इस तरीके से देखूं, अगर मैं इस अकेली प्लेट को पुल करूंगा सर, तो ये वाला रिबिट ऊपर से नीचे से दो जगह से टूट रहा है, यानी आफ्टर टूटने के बाद, आफ्टर टूटना यानी टूटने के बाद है ना, आफ्टर ब्रेकिंग। देखिए ये मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, ये मुझे सर इस तरीके से दिखाई देता है, ब्लू कलर से लिया है तो ब्लू कलर से ही रिबिट बनाते हैं। मैंने आपके सामने बोला आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद क्या होगा सर, आफ्टर ब्रेकिंग आधा पोर्शन तो इस तरीके से रिबिट का दिखेगा, बीच वाला पोर्शन मुझे रिबिट का कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और नीचे वाला पोर्शन रिबिट का मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एम आई राइट और रॉन्ग, इस तरीके से ये रिबिट टूट जाएगा। और बेटा ये रिबिट टूटा तो दो जगह से टूटा, दो जगह से टूटा तो कितने शेयरिंग प्लेन, टू शेयरिंग प्लेन, एम आई राइट और रॉन्ग, अगर ये दो जगह से टूटेगा तो दो जगह से टूटा तो कितने शेयरिंग प्लेन, दो जगह से टूटा तो दो जगह से ये हो जाएंगे टू शेयरिंग प्लेन, अगर ये दो जगह से टूटेगा तो दो जगह से टूटेगा, दो जगह से टूटेगा तो कितने शेयरिंग प्लेन होंगे सर, दो जगह से टूटने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास टू शेयरिंग प्लेन, यहां पर दो शेयरिंग प्लेन होंगे, देयर इज अ टू शेयरिंग प्लेन, यहां पर दो शेयरिंग प्लेन ऑब्जर्व होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
टू शेयरिंग प्लेन, दो शेयरिंग प्लेन हो जाएंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दो शेयरिंग प्लेन हो गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस प्लेट का टॉप व्यू बनाऊं, यार तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, ऊपर से देखने पर ये व्हाइट कलर का प्लेट और ये वाला व्हाइट कलर का प्लेट दिखेगा। बेटा राजा एक बात याद रखना, बात ये याद रखना कि अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला ये जिस प्लेट पर डायरेक्टली लोड अप्लाई होता है, जिस प्लेट पर क्या होता है सर, जिस प्लेट पर डायरेक्टली लोड अप्लाई होता है उस प्लेट पर, उस प्लेट को मैं मेन प्लेट बोलूंगा, जिस प्लेट पर डायरेक्टली लोड अप्लाई होगा उस प्लेट को मैं मेन प्लेट बोलूंगा, और ऊपर नीचे जो प्लेट होगी जो मेन प्लेट को कवर कर रही होगी उस प्लेट को मैं कवर प्लेट बोलूंगा। समझ में आ रहा है सबको? जिस प्लेट पर डायरेक्टली लोड को ट्रांसमिट किया जाएगा, जिस प्लेट पर डायरेक्टली लोड को ट्रांसमिट किया जाएगा उस प्लेट को मैं मेन प्लेट बोलूंगा। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं। सर टॉप व्यू देखूंगा तो सर ऐसी फीलिंग्स आ रही है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सर, देखिएगा किस तरीके से अपन को फील आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं बच्चों को। हे भगवान, देखो ऊपर से देखा, सॉरी ऊपर से मैं देखता हूं, ऊपर से देखूंगा तो पहली बात तो मुझे विड्थ दिखाई देगी प्लेट की, एम आई राइट? ये तो सेक्शनल व्यू है। अब मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं, टॉप व्यू से देखूंगा तो ऊपर से पहले तो मुझे उस प्लेट का विड्थ दिखाई देगा, अच्छा कवर प्लेट तो पूरा दिखाई देगा, एम आई राइट रॉन्ग? कवर प्लेट तो ऊपर का पूरा दिखाई देगा, देख लो अगर नहीं आ रहा है। सर फीलिंग्स नहीं आ रही तो फीलिंग्स को देखिए, ये कवर प्लेट है, टॉप व्यू से देखूंगा तो कवर प्लेट तो पूरा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो मेन प्लेट है वो मेन प्लेट का वो पोर्शन हमें डॉटेड दिखाई देगा जो इस कवर प्लेट के नीचे है, एम आई राइट? ये नीचे नहीं, ये एक्चुअल में नीचे तो पूरा ही कवर प्लेट, यानी कवर प्लेट के पूरे ही नीचे मेन प्लेट है, लेकिन जिस पोर्शन को कवर प्लेट कवर कर रहा है वो डॉटेड दिखाई देगा, इसके अलावा बाकी जो है वो सही दिखाई देगा। एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर फ्रेंड? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। चलिए आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को क्लियर कट समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने इसका टॉप व्यू देखा, अगर मैंने इसका टॉप व्यू देखा सर, टॉप व्यू देखा तो देखिए ऊपर से पहले बात तो मुझे कंप्लीटली कवर प्लेट दिखाई देगा, सो कवर प्लेट बनाने की कोशिश करता हूं, वो किस तरीके से कवर प्लेट बनेगा देखिए बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, कवर प्लेट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, कवर प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से कवर प्लेट दिखाई देगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास एक कवर प्लेट मुझे दिखाई दिया, कवर प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, स्टेटमेंट को सुनना और बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला कवर प्लेट मुझे दिखाई दिया, कवर प्लेट मुझे दिखाई दिया, और मैंने आपके सामने बोला दिस इज, ये वाला जो पोर्शन है ये तो हिडन रहेगा, ठीक है ना, यहां तक मुझे जितनी भी कवर मेन प्लेट दिखेगी ये सब हिडन प्लेट दिखेंगी, हिडन लाइक दिस, तो इसलिए मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं सर, ताकि आप लोगों को फीलिंग प्रॉपर आती रहे, ठीक है ना, दिस इज डॉटेड, ये सभी डॉटेड प्लेट्स होंगी, यानी डॉटेड ही मुझे दिखाई देगा कंप्लीटली, एम आई राइट? ये इस तरीके से डॉटेड दिखाई दिया, और इसके बाद एज इट इज दिखाई देगा, एज इट इज का मतलब पूरा कंप्लीट प्लेट दिखाई देगा, सो कंप्लीट प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है कंप्लीट प्लेट, मुझे कंप्लीट प्लेट दिखाई देगा, सीधा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं डायग्राम सही बन सके लिटिल बिट, ठीक है ना, देखिए, सो मैंने आपके सामने बोला ये कंप्लीटली ऐसा प्लेट मुझे यहां पर दिखाई देगा, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है, इसी तरीके से प्लेट यहां पर भी दिखाई देगा, सो प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने प्लेट को बनाया, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने प्लेट को बना दिया, ठीक है ना, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से प्लेट को बना दिया, और प्लेट लाइक दिस, इस तरीके से मुझे इसका टॉप व्यू दिखाई देगा, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना प्लेट कवर प्लेट के क्या है, नीचे है, क्लियर। अब भाई एक रिवेट ये, एक इसके आगे, एक इसके आगे, यहां तीन रिवेट है, फ्रंट व्यू से एक दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू से तीन, फ्रंट व्यू से एक, टॉप व्यू से तीन, एम आई राइट रॉन्ग? सो टोटल अगर मैं यहां पर रिवेट प्रोवाइड करना चाहता हूं तो एक रिवेट हो गया, ये एक दूसरा रिवेट हुआ, और ये तीसरा रिवेट हुआ, सिमिलरली एक रिवेट यहां पर हुआ, दूसरा रिवेट यहां पर हुआ, तीसरा रिवेट यहां पर हुआ, अरे हाँ या ना मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, वेरी गुड एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं यहां पर पी फोर्स को अप्लाई कर रहा था, एंड आई विल अप्लाइंग अ पी फोर्स लाइक दिस,
I also applying a P force like this. इस तरीके से हमने PP force को दोनों तरफ transmit किया. If I transmitting a P force on this particular plate, इस particular plate पर जैसे ही मैंने P force को transmit किया, बात आ जाती है shearing strength of plate निकालने का, shearing strength of rivet निकालने का, बात आ जाता है bearing strength of rivet निकालने का. और we already know that if I am interested to calculate rivet value, so rivet value is the minimum of shearing strength of rivet and bearing strength of rivet. Am I right or wrong? Rivet value is the minimum of shearing strength of rivet and bearing strength of rivet. Shearing strength of rivet or bearing strength of rivet में से whichever is minimum उसको मैं rivet value बोल दूंगा. ये बात सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं और दिल से अपना भी रहे हैं. Am I right? चलिए सुनिएगा. मैंने आपके सामने बोला स्टेटमेंट को सुनना और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना. ठीक है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश कीजिए. डायग्राम थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आप लोगों को फीलिंग्स बरकरार आती रहे, मुझे नई स्लाइड लेने की जरूरत ना पड़े. देखिए, सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगर मैं रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. क्लियर, मैं आपके सामने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं. इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और मैं करूंगा. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना सर, क्योंकि स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस. मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस करूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा. ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने आपके सामने बोला अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैलकुलेट करूंगा, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हमें मालूम है यहां पर कितने शेयरिंग प्लेन है. सो देयर इज अ टू शेयरिंग प्लेन, पहले ही बता चुका हूं यहां पर दो शेयरिंग प्लेन होंगे. तो सबसे पहले तो अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस. एम आई राइट? सो चलिएगा, यहां पर आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस. चलिए, सो वेरी गुड एक्सलेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया, हम सभी को पता है अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज इक्वल टू कितने शेयरिंग प्लेन है, तो दो शेयरिंग प्लेन है सर. अगर मैं प्लेट को खींचूंगा, रिवेट को दो जगह से चीर दूंगा. एम आई राइट और रॉन्ग? सो देखिएगा, दो शेयरिंग प्लेन है. सो टू शेयरिंग प्लेन मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एसपी. व्हाट डू यू मीन अबाउट सिग्मा एसपी? शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. एम आई राइट और रॉन्ग? ये हमारे लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मेरे लिए मिल गया. दिस इज अवर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. ये हमारे लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मिला. आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश करते हैं. आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोला अगर ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है, अगर मैं आपके सामने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालूंगा, उसके पहले एक छोटा सा टास्क देख लीजिएगा सर, थोड़ी सी हमें फीलिंग जग जाएंगी अगर मैं आपको बता दूंगा. तो देखिए, मैंने आपके सामने बोला ये हमारा एक डायग्राम था, ये हमारा स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. मैंने आपके सामने बोला कि यहां पर इस प्लेट का थिकनेस मैं मान लेता हूं T1 थिकनेस, इसको मैंने मान लिया T1 थिकनेस, इस प्लेट का थिकनेस मैंने मान लिया T2 थिकनेस. अच्छा, अभी तो दिखने में ये बराबर दिख रही हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए मान लो ये अलग अलग हैं. अगर मान लो थिकनेस अलग अलग हुई इन प्लेट की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अगर थिकनेस अलग अलग है तो एक गैप फॉर्म होगा बेटा. देखो, अगर थिकनेस अलग अलग होती, एक प्लेट ये होता और एक प्लेट का थिकनेस लाइक दिस, तो ये गैप फॉर्म होता ना, तो इस गैप को कवर करने के लिए एक एडिशनल प्लेट लगाई जाती. इस प्लेट का नाम होता है पैकिंग प्लेट. बताया है कि नहीं, इस प्लेट को पैकिंग प्लेट बोला जाता है. बहुत अच्छे से बताया है सर, ना मत बोलना, दिल दुखता है सर. ठीक है, ना मत बोलिए, मैंने बताया है आपको.
ठीक है, एक पैकिंग प्लेट के बारे में मैंने बताया है। चलिए स्टेटमेंट को सुनिए और बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने बोला दिस थिकनेस इज T1, दिस थिकनेस इज T2, और ये वाले थिकनेस की अगर मैं बात करता हूं सो दिस थिकनेस इज T3 थिकनेस, और इस वाले थिकनेस की बात करता हूं सो दिस थिकनेस इज जनरली कॉल्ड एज T4 थिकनेस। क्लियर? ऐसे मैंने थिकनेस मान ली। तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगर मैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालूंगा, मैं यहां पर पहले तो हेडिंग डाल देता हूं ताकि आप लोगों की फीलिंग्स बढ़ जाएं वापस से। देखिएगा, राइट डाउन दी हेडिंग, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है ना, मैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करता हूं। अगर मैं आपके सामने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करूंगा तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? If I am interested to calculate bearing strength of rivet, अगर मैं bearing strength of rivet calculate करना चाहता हूं, भाई strength तो strength है, चाहे वो bearing हो चाहे वो shearing हो, तो bearing strength of rivet strength होता है cross sectional area multiply by permissible stresses। तो चलिएगा लिखिए यहां पर cross sectional area multiply by परमिसिबल स्ट्रेसेस। चलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू बताओ फटाफट। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? देखो यहां पर मैंने इससे बोला ये वाला होल्ड है, ये इट इज डी नॉट, ये वाला भी कितना होगा? सो आपने बोला दिस इज ऑल्सो डी नॉट, ये वाला कितना होगा? तो आपने बोला दिस इज ऑल्सो डी नॉट। सो डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T1, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T2, या फिर डी नॉट मल्टीप्लाई बाय T3 प्लस T4। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों T3 प्लस T4? क्योंकि सर 50% लोड अपर कवर प्लेट ट्रांसमिट करेगा, 50% लोड लोअर कवर प्लेट ट्रांसमिट करेगा, टोटल 100% लोड दोनों ही कवर प्लेट मिलकर ट्रांसमिट करेंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एक 50% ट्रांसमिट करेगी, दूसरी 50% ट्रांसमिट करेगी। सर ये बात मैंने आपको बताई है जब मैंने फोर्स ट्रांसमिशन इन बट जॉइंट पढ़ाया है। Am I right or wrong? मैंने जब force transmission in butt joint पढ़ाया था तब मैंने ये बातें आपको बताई थी और बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। क्लियर? देखिए अगर मैं bearing strength of rivet निकालना चाहता हूं तो bearing strength of rivet is equal to cross sectional area। cross sectional area कितना था सर? cross sectional area मैं निकाल सकता हूं d not multiply by t minimum। बेटा t minimum का मतलब क्या है? चलो अभी अपन देख लेते हैं। d not multiply by t minimum multiply by permissible stresses। तो permissible stress का value क्या हो गया? permissible stress का मतलब हो जाएगा sigma bp, यानी permissible bearing stress। इसको बोला जाता है bearing strength of rivet। क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड एज बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसको बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बोला जाएगा। अब स्टेटमेंट को सुनना, इट इज बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। क्लियर? देखिए एक्चुअल में अगर मैं टी मिनिमम की बात करता हूं, यहां पर टी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी मिनिमम? टी मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं टी मिनिमम की वैल्यू बात करूंगा सो टी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाता है बेटा मिनिमम ऑफ, अगर मैं टी मिनिमम की बात करूंगा सो टी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाता है मिनिमम ऑफ T1, T2, T2 प्लस T3, या फिर सॉरी T3 प्लस T4। आपसे कभी भी गलती से पूछ लिया जाए कि T3 और T4 को ऐड क्यों कर दिया, तो T3 T4 को ऐड इसलिए कर दिया भगवान क्योंकि टोटल 100% लोड ये दोनों ही कवर प्लेट मिलकर ट्रांसमिट करेंगी, अकेली कवर प्लेट 50% लोड ही ट्रांसमिट करती है। क्लियर? ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से मैंने चिल्ला चिल्ला के आपके सामने बताया है पहले ही। क्लियर? अब देखो अगर मुझे मान लो इस कंडीशन में बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना है, सॉरी रिवेट वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालना है? मुझे अगर रिवेट वैल्यू निकालनी है, रिवेट वैल्यू कितनी होगी? तो रिवेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिवेट वैल्यू? रिवेट वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं? इट्स अ मिनिमम ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। देखिएगा सो रिवेट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ, रिवेट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इज द मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में से विच एवर इज मिनिमम
उसी को मैं रिबिट वैल्यू बोलूंगा। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट कितना होगा, 2 × π/4 डी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एसपी, और रिबिट बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बीपी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बात आती है, सर बहुत हो गया सर, डी नॉट यानी होल डायामीटर ऑफ रिबिट और सिग्मा एसपी और सिग्मा बीपी यानी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ एंड परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट। अरे ये तो ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, आपका सब कुछ मैं समझने में कैपेबल हूं, लेकिन सर वैल्यू बताओ ना यार, डी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए ना सिग्मा एसपी सिग्मा बीपी का वैल्यू क्या होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ, फटाक से देखो। सबसे पहले तो यहां पर एक छोटी सी बात लिख लेना, यहां पर मैंने 2 इसलिए इंट्रोड्यूस किया है बेटा क्योंकि यहां पर 2 क्या है, शेयरिंग प्लेन है, ठीक है ना, यहां पर 2 शेयरिंग प्लेन है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 को इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आ रहा है, फीलिंग्स आ रही है थोड़ी सी, ठीक है ना। सो इनमें से विच एवर इज मिनिमम, जनरली वो हम रिबिट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आपके सामने डी नॉट की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने डी नॉट की बात करता हूं, सो डी नॉट को बोला जाता है बेटा, डी नॉट को बोला जाता है परमिसिबल, सॉरी डी नॉट को बोला जाता है होल डायामीटर। D नॉट को क्या बोला जाता है, होल डायामीटर ऑफ रिबिट, रिबिट का होल डायामीटर। सो D नॉट का मतलब है होल डायामीटर ऑफ रिबिट, ठीक है ना। D नॉट का मतलब होता है, D नॉट का मतलब होता है होल डायामीटर ऑफ रिबिट, होल डायामीटर ऑफ रिबिट, रिबिट का होल डायामीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा, होल डायामीटर ऑफ रिबिट इज कॉल्ड D नॉट। IS 800 मुझसे बोलता है, अंकित जैन नहीं बोलता बेटा, अंकित जैन कुछ नहीं बोलेगा, एस पर IS 800 2007, अगर मैं IS 800 2007 के अकॉर्डिंग बात करता हूं, सो IS 800 2007 मुझसे बोलता है, IS 800 2007 मुझसे बोलता है कि अगर मान लीजिए नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर मतलब स्मॉल डी है ना, अगर नॉमिनल डायामीटर का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है 25 mm से, नॉमिनल डायामीटर का जो वैल्यू है, नॉमिनल डायामीटर का वैल्यू अगर लेस देन है या फिर इक्वल टू है 25 mm से, तो होल डायामीटर इस कंडीशन में आपको नॉमिनल डायामीटर प्लस 1.5 mm कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर। सिमिलरली ये हमसे बोलता है कि अगर मान लीजिए डायामीटर ऑफ रिबिट इज ग्रेटर देन, ये हमसे बोलता है डायामीटर ऑफ रिबिट इज ग्रेटर देन 25 mm, अगर मान लो रिबिट का डायामीटर, रिबिट का नॉमिनल डायामीटर 25 mm से ज्यादा हुआ, रिबिट का डायामीटर अगर 25 mm से ज्यादा हुआ, तो होल डायामीटर ऑफ रिबिट हमें कंसिडर करना पड़ेगा D+2 mm। कितना कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, D+2 mm कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू। बस आपको याद रखना है कि जहां जहां D यूज होता था वहां वहां D नॉट यूज होगा, क्योंकि रिबिट फिल द होल कंप्लीटली, जो रिबिट होगा वो हमारे होल को क्या करेगा, कंप्लीटली फिलअप करने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या करेगा, करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये मैं आपके सामने बताना चाहता था। अब देखो, इफ नॉमिनल डायामीटर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, होगा कभी कभार ऐसा, नॉमिनल डायामीटर कभी कभार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो क्या क्वेश्चन नहीं करोगे क्या? अरे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो, अगर नॉमिनल डायामीटर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो भाई कितना भयानक वाला स्टेटमेंट एक आईएएस कोड ने मुझे गिवन दिया है। स्टेटमेंट को सुनना, स्टेटमेंट का जरा सम्मान करिएगा, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, मैं आपको बातों बातों में बताते जा रहा हूं। मैंने बोला इफ नॉमिनल डायामीटर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ नॉमिनल डायामीटर, इफ नॉमिनल डायामीटर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, is not given in the problem, if nominal diameter is not given in the problem, so used Unwin's formula,
सो यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला बेटा, सो यूज्ड अनविंस फॉर्मूला, आपको अनविंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। If nominal diameter is not given in the problem, अगर आपके problem में nominal diameter का value given नहीं है, तो use unwinds formula, आप unwinds formula का use करिएगा, और unwinds formula मुझसे बोलता है, nominal diameter D is equal to, nominal diameter D is equal to 6.04 under root of T minimum, 6.04 under root of T minimum. Clear to all of you? T minimum का मतलब आप समझते ही हो, कौन सा, यानी T minimum का मतलब minimum thickness of plate. Clear to all of you? T minimum. तो आपको unwinds formula का use करना है in case of, अगर आपको आपके question में diameter यानी nominal diameter of rivet अगर given नहीं है तो. क्लियर, नॉमिनल डायामीटर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो आपको उस केस में अनविंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना स्टेटमेंट मुझे समझ में आ गया। अब बात सर एक ही बचती है, क्या बात बचती है, व्हाट डू यू मीन अबाउट सिग्मा बीपी एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट सिग्मा एसपी, सिग्मा एसपी और सिग्मा बीपी का मतलब क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उस चीज को भी यहां पर खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन से, क्लियर, लेकिन पहले इसको खत्म तो कर लो भैया, इतना जूस क्या काम का अगर सब्जेक्ट ही पूरा नहीं हुआ। देखो मैंने आपसे बोला, इफ आई विल टॉक अबाउट सिग्मा एसपी, तो सिग्मा एसपी का मतलब होता है बेटा परमिसिबल, सिग्मा एसपी का मतलब होता है परमिसिबल, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, इसका मतलब होता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। और अगर मैं सिग्मा बीपी की बात करता हूं तो सिग्मा बीपी का मतलब होता है परमिसिबल, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, समझ में आ रहा है, सिग्मा बीपी का मतलब है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। बेटा सिग्मा यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, WSM मेथड का ही काम कर रहा हूं, LSM को काम अब नहीं कर रहा हूं, ये मेथड रिबिट कनेक्शन, रिबिटेड कनेक्शन हमें WSM से ही पढ़ना है और कोई ऑप्शन ना ही आए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है सिग्मा एसपी इज द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस एंड सिग्मा बीपी इज द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। बेटा हमें क्या है ना, एक्चुअल में स्टेटमेंट को सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक्चुअल में मेरे लिए एक आईएस 800 ने एक टेबल गिवन दिया है। अब आईएस 800 किस तरीके से मुझे एक टेबल गिवन देता है, उस टेबल के हिसाब से मुझे देखने की यानी कोशिश करिएगा किस तरीके से आईएस 800 ने मुझे एक टेबल गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना किस तरीके से आईएस 800 ने मुझे एक टेबल गिवन दिया है। माय डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान से टेबल को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अगर आपके सामने बोला, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट, देखिएगा मैं आपके सामने बोलता हूं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट, ये आईएएस कोड ने मुझे गिवन दिया है, परमिसिबल, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट इज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन ये जितनी भी वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूं सर, दीज वैल्यूज आर वैलिड, ये जो वैल्यू वैलिड रहेंगी वो वैलिड रहेंगी ओनली फॉर वर्कशॉप के लिए, काय के लिए वैलिड रहेंगी, ये वैलिड रहेंगी वर्कशॉप के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज वैलिड फॉर वर्कशॉप, लेकिन हर बार एक सिविल इंजीनियर वर्कशॉप पर काम नहीं कर सकता है, कभी कभार ये सिविल इंजीनियर क्या करता है सर, साइट पर भी काम करता है ना, तो साइट के लिए वैल्यू में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, वो करेक्शन बाद की बात है, पहले मैं जो हमारे लिए आईएस कोड में वैल्यूज गिवन है उन आईएस कोड के वैल्यूज की बात कर लेता हूं फटाफट और स्टेटमेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड रिवेट की बात करता हूं, तो इसने मुझे इस तरीके से एक टेबल गिवन दिया है, मैं एक छोटा सा टेबल फॉर्म कर लूं क्या अगर आपकी आज्ञा हो तो, ठीक है, मैं एक छोटा सा यहां पर टेबल फॉर्म कर लेता हूं, ठीक है, मैंने एक छोटा सा यहां पर टेबल फॉर्म कर लिया, देखिए टेबल मुझे किस तरीके से दिया होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल गिवन है सर, टेबल को पहले देखिएगा, पहले समझने की कोशिश करिए, देन हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस तरीके से मुझे एक टेबल गिवन है, टेबल में तीन कॉलम होंगे, कॉलम लाइक दिस,
तीन रो होंगी और लगभग चार कॉलम मान लो, ठीक है, चार कॉलम होंगे। चार में से आपको तीन ही इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में एमपीएससी ने एक साल क्या किया था, आपके सामने चौथे कॉलम की भी वैल्यू पूछ ली थी, क्लियर। सो अभी इसलिए वो लिख लीजिएगा सर, कभी कभार काम में आता है। एक्चुअल में क्या है ना, लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है हमारे लिए, अगर अपन नहीं लिखते हैं और कभी कभार आ गया पेपर में तो आप बोलोगे साले ने पढ़ाया नहीं है, क्लियर। सो इसलिए लिख के चलना। अब देखो मैं आपके सामने लिखता हूं परमिसिबल शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या है, सिग्मा एसपी। इसी तरीके से मैंने लिखा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, सिग्मा बीपी यानी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। देखिए मैंने आपके सामने बोला दिस इज पावर ड्रिवन, मैंने आपके सामने बोला ये क्या है, इट इज पावर ड्रिवन, ये पावर ड्रिवन है। और इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला बेटा हैंड ड्रिवन। बेटा हमने आपसे बोला था, मैंने आपके सामने बोला था कि जब भी मैं रिवेट को ड्रिवन करूंगा तो दो तरीके से ड्रिवन कर सकता हूं, एक तो पावर के थ्रू ड्रिवन करूंगा और एक क्या करूंगा सर, हैंड के थ्रू ड्रिवन करने की कोशिश करूंगा, क्लियर। अब देखिए पावर ड्रिवन अगेन अगर मैं करता हूं तो एक्सियल टेंशन वो कितना रजिस्ट कर सकता है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जितनी भी वैल्यू है ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में गिवन है, ठीक है ना। और हैंड ड्रिवन करूंगा तो एक्सियल टेंशन में स्ट्रेस देगा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से ये वैल्यू होगी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होगा 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से हैंड ड्रिवन के केस में वैल्यू होगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दीज आर दी वैल्यूज, ये हमारे लिए वैल्यूज गिवन है। अब स्टेटमेंट को सुनना और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। ये भाई वैल्यू काय के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर वर्कशॉप। ये मुझसे बोलता है सर, ये मुझसे बोलता है कि अगर मान लो मुझे साइट पर काम करना है तो ये वैल्यू वैलिड है क्या? अरे बिल्कुल गलत बात है, ये वैल्यू वैलिड क्यों रहेंगी साइट पर, am I right? तो इसीलिए IS 800 यहां पर एक नोट देता है, उस नोट को बहुत तहे दिल से आप लोग लिख लीजिएगा। नोट क्या देता है, ये मुझसे बोलता है इन केस ऑफ साइट कंडीशन, अगर मैं साइट कंडीशन की बात करूंगा, इन केस ऑफ साइट कंडीशन, अगर मैं साइट कंडीशन की बात करता हूं, सो देखिएगा इन केस ऑफ साइट कंडीशन यदि मैं आपके सामने साइट कंडीशन की बात करता हूं, इन केस ऑफ साइट कंडीशन दीज अबव वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% से मैं इसको डिक्रीज करूंगा। इन केस ऑफ साइट रिवेट या साइट कंडीशन अबव वैल्यूज आर डिक्रीज In case of site condition, above values are decreased by 10%. Above value कितने से decrease हो जाएगा? 10% से decrease हो जाएंगी। भाई decrease क्यों किया मैंने above values को 10% से? अरे क्योंकि site है, साइट पर उतना ज्यादा क्वालिटी मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं हो पाता। एम आई राइट और रॉन्ग? कंडीशन एटमॉस्फेरिक नहीं रह पाती कभी कभार, वहां पर रिस्क के चांस ज्यादा हैं, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मान सकता साइट के लिए। इसको मैं कितना डिक्रीज करूंगा? 10% से डिक्रीज कर दूंगा, क्लियर। यहां पर अपना रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीटली खत्म, ठीक है। हाँ भाई, लेकिन अभी इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन बचा है और कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस टॉपिक्स बचे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था WSM मेथड से, am I right? लेकिन WSM ये तो हमने रिबिट के थ्रू WSM मेथड को सीख लिया,
अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई ये बोल दे, कभी आपसे कोई ये बोल दे कि आपका आपके पास एक फ्लिट कनेक्शन है, फ्लिट वेल्डेड कनेक्शन है, उसको WSM मेथड से डिजाइन करो, तो ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास फ्लिट वेल्डेड कनेक्शन होता है, कौन सा कनेक्शन होगा, फ्लिट वेल्डेड कनेक्शन, तो फ्लिट वेल्डेड कनेक्शन के लिए अगर कोई आपसे WSM मेथड से सॉल्व करने को बोल दे, बहुत ईजी है देखना, अगर फ्लिट वेल्डेड कनेक्शन को कोई आपसे WSM से सॉल्व करने बोल दे, तो देखो मैंने आपके सामने डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताया था, कितना बताया है, डिजाइन स्ट्रेंथ बताया है K इंटू एस मल्टीप्लाई बाय L इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय एवरेज शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस का मतलब सिग्मा SP, एम आई राइट और रॉन्ग, वहां पर FU डिवाइडिंग बाय 1.25 अंडर रूट 3 होता था कि नहीं होता था, है ना, सो रूट 3 क्या रिप्रेजेंट करता था, वो शेयर का फेलियर था। बेटा हम आपको सबसे फर्स्ट यूनिट जब इंट्रोड्यूस किए थे तो मैंने आपसे बोला था शियर के केस में परमिसिबल स्ट्रेस जो मुझे WSM में कंसीडर करना है वो कितना कंसीडर करना है, 0.4 FY। अरे बताया था कि नहीं, मैंने आपको बताया था एवरेज शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0.4 FY या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, परमिसिबल का मतलब 0.4 FY। तो यहां पर मैं वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा, सो डिजाइन स्ट्रेंथ इज K इंटू एस मल्टीप्लाई बाय L इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू FY, ये WSM का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लिख लो, कभी कभार आपसे पूछ लिया जा सकता है जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बड़ा बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये WSM के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, किस जॉइंट के लिए, रिवेट जॉइंट के लिए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना टॉपिक मुझे यहां पर पढ़ना था, चलिए हेडिंग डालिएगा, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, इसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन, फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।